हेलो गाइस, मेरा नाम है रसिका और आज हम ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है और अदर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करते हो विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग सीवी, गुड सीवी, और बहुत सी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। सिटी ही इतनी खूबसूरत है अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे सिर्फ एज एन अदर कैरिकुलम एक्टिविटी आपको मिलता है यूट्यूब, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शूट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 5 ऑफ एक्सप्लोर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज विद मीका, और जिसमें हम बात करने वाले हैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम बात करते हैं इसके सिटी के बारे में। तो जो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो तोम्स्क सिटी में लोकेटेड है। अभी मैं थोड़ी सी रशिया की आपको ज्योग्राफी समझा देती हूँ। यहाँ पे आपने एक ग्राफ देखा होगा, तो उस ग्राफ से आप ये समझ पा रहे होंगे तो साइबेरिया भी रशिया का हिस्सा है। आई नो बहुत लोगों को पता है, बट कुछ सो कॉल्ड कंसल्टेंट कुछ बच्चों को ये बोल रहे हैं कि जो साइबेरियन रीजन, रशिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, साइबेरियन रीजन अलग है, रशिया अलग है, तो हम एडमिशन सिर्फ रशिया में कराते, साइबेरिया में नहीं कराते। तो फर्स्टली आप थोड़ी ज्योग्राफी की लेसन्स लेके आइए, यही मेरा यहाँ पे कहना है। दैट्स व्हाई मैंने ये चीज क्लियर कर दी, बहुत तो को कंफ्यूजन हो रहा था। अब हम बात करते हैं यहाँ के वेदर के बारे में या क्लाइमेट के बारे में। तो एक ग्राफ मैं हमेशा लगा देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया आए कि किस मंथ में कितना टेम्परेचर रहता है। साइबेरिया बहुत ठंडा रीजन है, तो आप एक काम करो, तोम्स्क सिटी का टेम्परेचर और किसी भी रैंडम सिटी का टेम्परेचर जहाँ पे भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है वहां का उठा के देख लो, तो आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस दिखेगा, एकदम एक्सट्रीम में डिफरेंस नहीं है। और एक दो महीने के लिए ठंड होती है विच इज बेरेबल मुझे लगता है, क्योंकि जनवरी में ही ठंड मैक्स में हो जाती है, तो जनवरी में छुट्टियां भी तो बहुत होती है, तो आप अगर अपने इसेंशियल चीजें ला लो तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं ठंड के वजह से। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस सिटी के बारे में, सिर्फ इस सिटी के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा पुरानी सिटी है। इस रीजन में किसी को भी अगर PhD करनी होती, कोई भी प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, किसी स्पेसिफिक रिसर्च वर्क पे PhD करनी होती है, तो उनकी जो डिग्री होती है वो ग्रांट इसी सिटी से होती है, क्योंकि इस सिटी में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 6 लाख है अप्रोक्सीमेटली। इन जनरल हम इसे कोटा बोल सकते हैं रशिया का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की पॉपुलेशन इस सिटी में बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये यहाँ का कोटा है। बात करें इस यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटी 1888 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो अप्रोक्सीमेटली इस यूनिवर्सिटी को अगर मैं मतलब देखने जाऊँ इसकी हिस्ट्री, तो ये 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर डेवलपमेंट, कुछ गलतियां होती है तो उस हिसाब से ये डेवलपमेंट होते जाता है, तो 200 साल में कितना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका होगा ये यूनिवर्सिटी, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो ये सिटी खूबसूरत है, उसके साथ साथ ये सिटी एजुकेशनल हब है, उसके साथ साथ ये सिटी में बहुत सारे एडवांटेजेस है जो एक स्टूडेंट्स के लिए नेसेसिटी होते हैं। और अभी हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, सो सारे स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कुछ स्टूडेंट के लिए हॉस्टल मैटर करता है, कुछ स्टूडेंट के लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट मैटर करता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है वो मैटर करता है, तो हम सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्टली ये यूनिवर्सिटी में मेस अवेलेबल है या नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है आजकल, मेस पे ही बहुत ज्यादा डिबेट चलती है। तो इस यूनिवर्सिटी में जी हाँ मेस अवेलेबल है, अगर हम सेल्फ कुक कर रहे हैं तो हम एक ही टाइम का खाना बना पाते हैं दिन में। तो कितने रूबल का है मेस वो जानने के लिए आपको मेरे को पर्सनल DM करना पड़ेगा। और अभी हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के FMG पासिंग परसेंटेज के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से यहाँ पे बैचेस पास आउट हुई है, तो 2021 का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 2022 का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2023 में भी इस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस जो था अच्छा था, हाईएस्ट जो स्कोर गया था जिंदगी का वो 210 था टू बी प्रिसाइज। और क्या क्या है इस यूनिवर्सिटी में, तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है ECFMG से, WHO से, WDOMS के लिस्ट में है, और ये यूनिवर्सिटी NMC से रिकॉग्नाइज्ड है, और सारी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड है, यह आप चेक कर सकते हो। और जितने भी फैक्ट इस वीडियो में मैं बता रही हूँ ये मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, प्लस मैंने अपनी रिसर्च भी की है। FMG की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है नहीं की जाती है,
तो जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी में FMG की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। और गाइज, यहाँ पे FMG की कोचिंग जब हम बोलते हैं ना, तो बहुत सी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए, इंडिया में भी जब हमें, या तो कोई GMC में पढ़ता है, MC में पढ़ता है, कहीं पे भी पढ़ता है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको स्पेसिफिक कोर्स कवर किया जाता है। यहाँ पे भी वही होता है, हमें NMC ने बोला है कि 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 19 सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी को मैंने अभी तक सीरीज में कवर किया है, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ाने के बाद आपको FMG की कोचिंग अलग से लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे प्रोवाइड होती है, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि उसका आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, वो अमाउंट आपके एक महीने के पर्सनल एक्सपेंस जितना है। तो वो भी अगर आपको जानना हो तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आजकल क्लेम करती है कि हमारे वहाँ FMG की कोचिंग पढ़ाई जाती है, ये करा जाता है, वो करा जाता है। तो बहुत सी बार क्या होती है, ये चीज़ें प्रमोशनल होती है, बट इस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में आपको सच में पढ़ाया जाता है, 3 से 4 सब्जेक्ट पर ईयर कंप्लीट कराए जाते हैं आपके। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप ऑप्ट कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा है, बुरा पॉइंट नहीं हो जाता, बट हाँ, एक ऑफलाइन कोचिंग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तब। अभी कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए आप इस यूनिवर्सिटी में निश्चिंत एडमिशन ले सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, ये यूनिवर्सिटी में 10 मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स है। अब मल्टीडिसिप्लिनरी जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि होता क्या है ये एक्चुअल में। तो देखिए, हमारे इंडिया में PSCs होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं। PSCs में क्या होता है, वो लोकल एरिया के, मतलब जितने एरिया की पॉपुलेशन है उतने एरिया को, अलग अलग एरिया से पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी नर्सेस होती हैं, बट ये PSC जो होता है थोड़ा बड़े लेवल पे होता है। तो वहाँ पे पेशेंट की फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट जो चीज़ें PSC में कवर नहीं हो सकती उसके लिए वो लोग रेफर करते हैं GMC में, IGMC में, या तो एम्स में। तो यहाँ पे भी जो GMC हो गई, वो हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो एक लोकल हॉस्पिटल में नहीं है। तो लोकल हॉस्पिटल की बात करें तो वो 15 है इस सिटी में, और ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करें तो 10 है, नेशनल हब है। तो सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्या होता है, इस सिटी में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या रिसर्चर होते हैं, वो रिसर्च वर्क के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो ऑफकोर्स कुछ, मतलब उनका क्राइटेरिया होगा सिलेक्ट करने के लिए, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाता है, एंड देन आप उनके रिसर्च वर्क में कोऑपरेट कर सकते हो, या तो उनके रिसर्च में वर्क में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपना, अगर आप उस हद तक लाइबल हो तो। और ये चीज़ें किस चीज़ में आपको हेल्प करती है, आप ही को पता होगा कि एक CV, अच्छी खासी CV बिल्ड करने में ये चीज़ें आपको हेल्प करती है के बारे में। तो थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ के एनाटमी डिपार्टमेंट में कैडावर होते हैं या नहीं होते, और एनाटमी डिपार्टमेंट कैसा है। तो एनाटमी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने पहले बोला कि एजुकेशनल हब है, तो अलग अलग जगह से यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, तो एनाटमी डिपार्टमेंट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी कैडावर यस अवेलेबल है, बट हर यूनिवर्सिटी में नहीं शो किए जाते, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी मेडिकल एथिक्स को फॉलो करती है। तो जहाँ पे भी आपको दिखाए जा रहे हैं, वो सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए दिखाए जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में दिखा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिकल एथिक्स के खिलाफ होता है ये चीज़ें। द फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इसेंशियल है आपके लिए जानना, इस यूनिवर्सिटी में लिमिटेड एडमिशन ही लिए जाते हैं, यहाँ पे इतना क्योस नहीं है जितना कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ओवरक्राउडेड है। ये यूनिवर्सिटी ओवरक्राउडेड ना होने की वजह से यहाँ पे जो स्टडीज़ है वो अच्छी है, और यहाँ का अगर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, 15:1 है। तो 15 स्टूडेंट पे एक टीचर पढ़ाता है। अभी इस यूनिवर्सिटी के फिफ्थ पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 7 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर से आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिलना शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा बहुत, मतलब लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं होता, उस वजह से आपको मतलब कम ही एक्सपोजर मिलता है। बट इस यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर से ही एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है।
तो ये एक एडवांटेज हो जाता है आपको। विंटर प्रैक्टिस में भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है, समर प्रैक्टिस में भी, और उसके बाद भी जो बच्चा यहाँ पे समर्स में रुकता है उसको भी अलग अलग सिटीज ले जाया जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें ये कैसे होता है यहाँ पे, तो इसका एक ही रीज़न है, ये जो यूनिवर्सिटी है IAAR से रिकग्नाइज अक्रेडिट है। IAAR के बारे में IAAR के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है अपने वीडियो में। सो, मुझे ऐसा लगता है कि सारे मिथ्स यहाँ तक मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, जितने भी मिथ्स थे या जितने भी फॉल्स जो चीज़ें थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में उनको मैंने क्लियर कर दिया। और कुछ और भी अगर आपको डाउट हो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या तो आप मुझे DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अभी हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बजट के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस यूनिवर्सिटी का बजट कितना है। तो ओवरऑल अभी मैं अगर टोटल बजट के इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली 23 से 24 लाख तक का है। और इसमें मैं क्या क्या कवर करती हूँ आपको पता है, चल ही गया होगा कि फर्स्ट ट्यूशन फीस हम कवर करते हैं, सेकेंड हम काउंट करते हैं इसमें हॉस्टल फीस, और उसके बारे में बात डॉक्यूमेंटेशन। और इसी में एक चीज़ में स्कैम होता है हमेशा कि कोई भी कंसल्टेंसी हो, एक्सेप्ट सम जो लोग अभी मतलब गोल्डन पैकेज सिल्वर पैकेज बना रहे हैं, मतलब बहुत से लोगों ने बना दिया है, प्रीमियम होता है उनका, कुछ का नॉर्मल पैकेज होता है, तो उसमें क्या होता है ये लोग कवर करके दे देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द की बात करें तो यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक्स कवर ही नहीं मिलती, तो बायोमेट्रिक्स कवर नहीं मिलती और इसके बारे में सच्चाई भी बताई नहीं जाती। तो इस सभी को चीज़ों को मतलब वीडियोस में एक्सपोज करना या वीडियोस में आपको समझाना ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो उसी के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक Q&A वीडियो करूंगी आपके नीट के, जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाती है उसके बाद हम एक Q&A वीडियो शूट करेंगे, जो कि हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, बट मुझे लगता है कि परफेक्ट टाइम तभी होगा कि जब आपका नीट हो जाएगा, आपके पास भी क्वेश्चन होंगे, खाली टाइम होगा देखने के लिए। तो आप अपने क्वेश्चंस, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, वहाँ जाके आप क्वेश्चन लिख सकते हो गाइस, कि आपको जो भी डाउट है आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, प्लस उधर भी आप जाके अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं सभी को आंसर करूंगी। नॉट ओनली कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में, आप पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पे, प्लस बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो मन में क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हो। और एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं उस वीडियो में करने वाली हूँ जिसके बारे में आपको जानने मिलेगा। बहुत से बच्चों को डाउट होता है, इवन उनकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो जर्नी होती है तो बच्चों को नॉलेज नहीं होती, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तो उसके लिए हम एक ग्रुप बनाने वाले, उसके अनाउंसमेंट उधर होगी, तो गो, और वो 100 स्टूडेंट्स का ही होगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं मतलब कर सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं और मैं कुछ कुछ को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग ईमेल भी कर रहे हो, बहुत से लोग ईमेल कर रहे हैं, तो गाइस जो भी लोग ईमेल कर रहे हैं, मैं पर्सनली ईमेल यूज़ नहीं करती हूँ, जो ईमेल है वो मेरे पुराने फ़ोन में है। जब मैं ईमेल चेक करती हूँ तो मतलब मेरा कोई पर्सनल ईमेल नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा कि कोई गलत ईमेल पे आप मेल कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पर्सनल ईमेल है ही नहीं। तो उस ईमेल पे आप अपना नंबर, और वो भी व्हाट्सएप नंबर, और आपका नाम, आपकी सिटी और स्टेट से हो, ये लिख के आप मुझे ईमेल किया कीजिए, सो दैट जब भी मैं ईमेल चेक करूँ तो फिर मैं आप तक रीच आउट करूंगी, या तो फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना है, बारे में मेल कर दीजिए, तो मैं उसका सीधा आपको ईमेल ही कर दूंगी वहां से, कि क्या क्या है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी।